ఆసంతవత్తమానం
जैन धर्म की तीर्थंकर परंपरा को नमन। महामनस्वी, महायशस्वी, महातेजस्वी, महाओजस्वी आचार्य श्री महासमन जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। मेरे सहपाठी अनुज उपासक श्रीमान कांतिलाल जी कावड़िया, धर्मनगरी इचलकरण जी के धर्मानुरागी भाई और बहनों, रात्रिकालीन कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आज का विषय जैन धर्म के कर्म सिद्धांत की प्रासंगिकता। भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी धर्म दर्शन हैं, जो आत्मा में विश्वास करते हैं, वो सभी कर्म में विश्वास करते हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा मोक्ष में है। उस सार दुष्कृत आत्मा को इस 84 लाख जीवन में भटकाने वाला कर्म है। हर भारतीय संस्कृति, हर भारतीय धर्म का लक्ष्य मोक्ष है। 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। पूरा भारत के सिद्धांत, धर्म के सिद्धांत मोक्ष को लक्ष्य लेकर चलते हैं। तो आज हम जैन धर्म के संदर्भ में बात करेंगे। आत्मा का प्रतिपक्षी कर्म है। आत्मा को बांधे रखने वाला, आत्मा को घुमाने वाला, आत्मा को कटघरे में डालने वाला कर्म है। वैसे बोलचाल की भाषा में कर्म का मतलब होता कार्य करना, प्रवृत्ति करना। वही प्रवृत्ति जब आत्मा के साथ बंधती है, तब वो कर्म बनती है। जैन संस्कृति का कर्म वह पौद्गलिक पदार्थ है जो अनादि अनंत काल से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसे कर्म शरीर कहते हैं। कर्म शरीर क्या है? मोबाइल के अंदर जो हमारी सिम होती है, ठीक उसी तरीके से हमारा ये कर्म शरीर है। उस सिम में सारे कॉन्टैक्ट जुड़े रहते हैं, सब चीज जुड़ी हुई रहती है। परंतु भाइयों और बहनों, कर्म पौद्गलिक है। कर्म में वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है। कर्म कभी भी आत्मा नहीं बनेगा, आत्मा कभी भी कर्म नहीं बनेगी। साथ रहेंगे, जन्म जन्मांतर से साथ है।
हमें कर्म को समझने के लिए हमारे दूसरे इसके साथ में जो जुड़े हुए शरीर है, कर्म शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ हमारा तेजस शरीर है, उसको भी समझना होगा। आत्मा निष्क्रिय है, न हिलती है न डुलती है, न उसके शरीर है, वो तो आनंदमय है, मोक्ष में आनंद में विराजमान है हमारी शुद्ध आत्मा। लेकिन वो 84 लाख जीवायोनि में कैसे भटकती है कि जो हमारे अभी हम बताएंगे कर्म कितने हैं, उसके विभाग कितने हैं, वो उसके साथ जुड़ने से और इनको ले जाने वाला इनका संवाद वो है तेज शरीर। इसलिए भाई और बहनों, जब आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो गति कहलाती है, अंतराल गति, ऋजु गति, वक्र गति। तो उस गति में ले जाने वाला तेज शरीर धक्का देता है और आत्मा और कर्म शरीर धक्के के साथ में अगले जन्म में वो जो है वो जन्म ले लेती है। कर्म चतुष्ट स्पर्शी पुद्गल है। हमारे सारे ब्रह्मांड में दो तरह के पुद्गल है, अस्पर्शी और चतुष्ट स्पर्शी, जिसमें वर्ण हो, गंध हो, रस हो, स्पर्श हो। ये तो हमारे ये जो अब स्पर्श की बात कर रहा हूं, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मधुर मृदु कर्कश, और ये 8 जो हमारे स्पर्श है, इन 8 स्पर्श से सारी सृष्टि का जितना भी हमारा अजीव तत्व बना हुआ है और वो दिखाई देता है स्पर्श वाला, लेकिन 4 स्पर्श वाला दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिक लोग इसको मास लेस पार्टिकल कहते हैं, चतुस्पर्शी को, जिसके अंदर केवल 4 स्पर्श होते हैं। और इसी कारण जन्म जन्मांतर की ये सिम उसमें कोई भार नहीं है। अगर भार होता तो इस शरीर का वजन अकेले कर्म शरीर से टनों बंद हो जाता। कितने जन्मों के साथ चल रहे हैं उसकी कोई कैलकुलेट नहीं है, लेकिन उसका भार नहीं होता है, चतुस्पर्शी होता है। अब आप देखिए कि प्रश्न यह है, कर्म शरीर जो हमारा जो जैन सिद्धांत का जो कर्म विज्ञान है, उसको अगर जैन सिद्धांत से निकाल दिया जाए तो हमारे आत्मा की, मानव जीवन की और अबद्ध आत्मा जो कर्मों से आवृत है उसकी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी व्याख्या इसलिए की गई है कि ये कर्म लगे हुए हैं, उनका छुटकारा पाना ही मोक्ष है। अब प्रश्न कर्म क्या है अपन ने मालूम किया, अब ये है कि किस तरीके से कितने कर्म हैं। हमारी जो शुद्ध आत्मा है उसके 8 लक्षण बताए गए, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, आत्मिक सुख, क्षायिक समित्व, अटल अवगान, अमूर्तित्व, अरु लघुत्व, अगुरु लघुत्व और निरंतराय। अब भाइयों, इस 8 ही जो आत्मा के मेन गुण है उसके ऊपर 8 पर्दे पड़े, उन पर्दों को कर्म कहते हैं। वो उसके ऊपर इस तरीके से आए हुए हैं जैसे सूरज के ऊपर बादल आए हुए हैं। ठीक उसी तरह से सूर्य जब बादलों से ढक जाता है तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। हमारे कर्म के आवरण कितने ही आए लेकिन आत्मशक्ति मौजूद है, एकेंद्रिय भी है तो उसमें भी कर्म शरीर है, लेकिन वो इतना आच्छादित है कि आत्मा का स्वरूप मालूम नहीं पड़ता है। जो जो धीरे द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय विकसित होता है तो उसी तरीके से आत्मा स्वरूप भी विकसित होता है। तो हम इसके एक एक पर्दे को देखेंगे। अब जो पहला गुण है केवल ज्ञान, इसमें से हम 2 विभाग करते हैं,
घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म वो होते हैं जो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा को रौंदते हैं, आत्मा का गला घोंटते हैं, आत्मा को जेल में डाल के रखा है, 84 लाख जीवा योनि में उसको घुमाता है, नचाता है। तो हमारा जो केवल ज्ञान आत्मा का गुण है उसको ढकने वाला है ज्ञानावरणीय कर्म। पहले हम इसका विवरण ले लेते हैं। दूसरा केवल दर्शन, उसको ढकने वाला बड़ा पर्दा है दर्शनावरणीय कर्म। और तीसरा आत्मा का बड़ा गुण है क्षायी सम्यक्तो। क्षायी सम्यक्तो आता है तो जीव अवश्य ही मोक्ष जाता है। उस मोक्ष को अवरुद्ध करने वाला है वो राजा कर्म है, मोहनीय कर्म। और चौथा जो मुख्य आत्मा का गुण है निरंतराय। आत्मा में कोई अंतराय नहीं, सुख वाली आत्मा है, आनंद वाली आत्मा है, लेकिन अंतराय में डालने वाला कर्म है अंतराय कर्म। तो भाई और बहनों हम एक भेद रेखा खींचते हैं, ये चार कर्म जो है ये हमारी आत्मा को आप्लावित करने वाले हैं, आत्मा को ढकने वाले हैं। अब अघाती कर्म का अलग ब्योरा क्यों किया ये समझने की बात है। अघाती कर्म वो होते हैं जो आत्मा की घात नहीं करते, जो हमारा जिस जिस योनि में शरीर प्राप्त होता है, मतलब ये कहे को कहते तो आठवां आत्मा से जुड़े हुए हैं लेकिन शरीर से जुड़े हुए, शरीर को पुण्य और पाप देने वाले, अच्छा और बुरा फल देने वाले होते हैं। और हर शरीर के साथ में हम मनुष्य हैं, हमारे अघाती कर्म अलग होंगे। बिल्ली के अघाती कर्म क्योंकि उसकी प्रवृत्ति अलग है उसके अलग होंगे, शेर के अघाती कर्म अलग होंगे। और भाइयों और बहनों घाती कर्म क्योंकि घात करता है तो प्योरली वो पाप कर्म है। वो कृष्ण नील कापोत, कृष्ण नील कापोत ये लेशिया है, लेशिया क्षय है, तीन शुभ लेशिया है, तीन अशुभ लेशिया है। कृष्ण नील कापोत अशुद्ध लेशिया है तो प्योरली अशुद्ध लेशिया है काशी, जो हमारे घाती कर्म है। अब जो घाती कर्मों का जो है क्षोभसम होता है, ये ध्यान रखने की बात है। क्षोभसम किसे कहते हैं? क्षोभसम एक तरीके से आत्मा का गुण है, क्षय प्लस उत्तम। क्षय का अर्थ होता है ये कर्म संपूर्ण रूप से आत्मा से अलग हो जाना, और उत्तम का अर्थ है कि ये घाती कर्म आत्मा के साथ बंधा हुआ है लेकिन आत्मा के ऊपर कोई तरह का प्रभाव नहीं डालता है, वो उत्तम की अवस्था होती है। अघाती कर्मों के उत्तम और क्षय का मतलब वो उदय में आकर के और निपटारा होता है, लेकिन क्षोभसम जो है वह अघाती कर्मों का नहीं होता है, ये समझने की बात है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, जो अघाती कर्म है वो कौन कौन से हैं? वेदनीय, शरीर को वेदना देने वाले, उसके विभाग अपन बाद में बताएंगे। और आयुष्य, ये शरीर कितने वर्ष जिंदा रहेगा वर्तमान में, वो आयुष्य कर्म। नाम कर्म, नाम कर्म का अर्थ यह है कि पूरे जीवन भर ये शरीर का संचालन नाम कर्म से होगा पूरे जीवन भर। और गोत्र कर्म, उस जीव को जब तक शरीर में रहेगा उसको सोशल स्टेटस, ये बड़े घराने का व्यक्ति, ये छोटे घराने का व्यक्ति, ये धनवान व्यक्ति, ये गरीब व्यक्ति, ये प्रमुख व्यक्ति और ये सामान्य व्यक्ति, इस तरह का भेद करने वाला हमारा गोत्र कर्म है। तो वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र है
ये हो गए हमारे अघाती कर्म। अब हम क्या करते हैं कि एक एक की जो इसकी फाइलें खोलते हैं, इन सब सबसे पहले इन कर्मों के बंधन के कारण क्या है, ये क्यों बनते हैं, हमारी आत्मा का जो केवल ज्ञान को बाधित ज्ञानावरणीय कर्म क्यों करते हैं, कि हम जन्म जन्मांतर से जो ज्ञानी पुरुष है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु या अन्य ज्ञानी व्यक्ति, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति है उसकी हम आसाधना करते हैं, उसका हम अनादर करते हैं और उसके ज्ञान में हम संशय करते हैं, उसके ज्ञान में हम बाधा पहुंचाते हैं, या ज्ञान की कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी व्यक्ति ज्ञानार्जन कर रहा है उसके अंदर बाधा डालते हैं, तो वो ज्ञानार्जन जो हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है। ज्ञान की अवहेलना करना किसी रूप में करो, वो सारी अवहेलना से हमारे जो केवल ज्ञान है उसके ऊपर धीरे धीरे वो पर्दा गाढ़ा हो जाता है और वो ज्ञानावरणीय कर्म का रूप ले लेता है। अब इसके पांच विभाग हैं, हमारे ज्ञान के पांच तरह के ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। ये पांचों तरह के हमारे ज्ञान हैं, इन सब पे जो है ज्ञानावरणीय कर्म पर्दा डाल देता है, और इन सब में से जो सबसे ज्यादा सुपर है, जो हमारा केवल ज्ञान है, वो उसको परिलक्षित नहीं होने देता, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होने देता, ये ज्ञानावरणीय कर्म की बात है। इस कर्म से छुटकारा कैसे होता है वो भी समझ लें। हमारे ज्ञानावरणीय कर्म बंधा हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे ज्ञान का आवरण मिटे, तो ज्ञानी पुरुष है, अरिहंत सिद्ध साधु आचार्य उपाध्याय ज्ञानी है या अन्य ज्ञानी है, उन सब हम ज्ञानियों प्रति विनय करें, उनके ज्ञान का हम प्रशंसा करें, उनके ज्ञान के प्रति प्रमोद भावना करें और ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। ज्ञान कौन सा, आध्यात्मिक ज्ञान की बात चल रही है, इसके अंदर हम संसारी ज्ञान की बात नहीं करते हैं, संसारी ज्ञान का तो खाता बहुत बड़ा है। और भाइयों और बहनों, ये पूरा कर्म शरीर जो है पौद्गलिक है, चेतना नाम की इसमें कोई बात नहीं है, हमारे पूरे शरीर में आत्मा के अतिरिक्त जो है कोई चेतन तत्व नहीं है। इस पूरे विश्व में जितनी भी आत्मा है, असंख्य मानो अनंत मानो, उन आत्माओं के अलावा कोई भी सृष्टि के अंदर चेतन तत्व नहीं है, बाकी सब जड़ तत्व है। जड़ और चेतन से ये पूरा संसार बना है। और मैंने पहले भी कहा था, पुनः कह रहा हूं कि कभी भी अजीव जीव नहीं होगा, जीव कभी भी अजीव नहीं होगा, ये सार्वभौम सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भगवान की वाणी है, किसी भी समय में नहीं होगा। और जो जड़ है उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वो गलन मिलन धर्म है, गलता है मिलता है, कभी चूना बना कभी मिट्टी बना, कभी जो है वो लोहा बना, कभी टेबल बना कभी कुर्सी बना, वो उसके पर्याय बदलते रहते हैं, लेकिन वो चेतन अवस्था के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। चेतन वह है जो सुख दुख का अनुभव करता है और वो ग्रोथ होती है जिसकी, प्रजनन करता है, अपने जीव को पैदा करता है। इस तरीके की नौ जो है विशेषताएं या करैक्टरिस्टिक है वो विषय अलग है। तो हम बात कर रहे थे ज्ञानावरणीय मति श्रुत अवधि मन पे पर्दा डालता है और ये वे छूटे कैसे ज्ञानावरणीय से, ज्ञान से संबंधित जितना हम ज्ञान हमारा आत्मा के ज्ञान को बांटें, ज्ञान को लोगों को सहर्षि बनावें,
आत्मज्ञान क्लास लें, लोगों को बतावें, आगम बतावें, तत्व बतावें, उसकी चर्चा करें और परीक्षा ध्यान करावें, ध्यान के अंदर उसको तत्व की बात करावें। जितना भी हम ये ज्ञान का हमारा कार्यक्रम है, प्रचार प्रसार है, जितना जितना वो करते रहेंगे, पुस्तकें लिखें, तो जितना हम करते रहेंगे उतना हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभतम होता रहेगा। क्षोभतम आत्मा की शक्ति है, क्षोभतम के द्वारा आत्मा उज्जवल होती है और जो जो ज्ञान करते जाएंगे ये ज्ञानावरणीय कर्म का पर्दा धीरे 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 पतला 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 होता जाएगा। तो ये हमारा ज्ञानावरणीय कर्म की बात हुई। और ज्ञानावरणीय कर्म जब आ जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति का ज्ञान एकदम छोटा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, याददाश्त नहीं रहती, भूलने लग जाता है, पढ़ता है। कई बार कहते हैं कि इनने पढ़ाई चढ़े को नहीं, इसका मतलब ये उसके ज्ञानावरणीय कर्म का जबरदस्त आवरण आया हुआ है। 5-7 क्लास करके माता पिता पढ़ाना चाहते हैं, माता पिता उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह भी ज्ञानावरणीय कर्म के कारण होता है। ज्ञान का जितना भी आवृत है वो सब ज्ञानावरणीय कर्म के कारण होता है, क्योंकि ज्ञान का बहुत खाता लंबा है। हम संसारिक ज्ञान भी है पर वो सारा होता है इस ज्ञानावरणीय कर्म के पर्दा आने की वजह से। अब मैं दूसरे जो कर्म पे आता हूं, दर्शनावरणीय कर्म। दर्शन का मतलब होता है देखना, मैं आपको देख रहा हूं। दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा, मेरी देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा है, वह भी दर्शन है। इस तरीके से सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन का मतलब आपकी सोच सही है, आपका चिंतन सही है, आपकी जिन वाणी में श्रद्धा है और देव गुरु धर्म में आपकी श्रद्धा है, जब व्यक्ति सम्यक दर्शनी बनता है, वो हमारा दर्शन केवल दर्शन की अवस्था होती है। ये ज्ञान और उपयोग लक्षणों जीव, जीव की और आत्मा की परिभाषा की क्या की गई है कि जिसका लक्षण उपयोग है उसको जीव कहते हैं। उपयोग क्या है, ज्ञान और दर्शन जिसमें है वह आत्मा का गुण है, वह आत्मा है। ज्ञान के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से आत्मा या हम किसी भी चीज का देखते हैं, उसके प्रति श्रद्धा करते हैं और ज्ञान के माध्यम से सारा विस्तार पाते हैं, चाहे सृष्टि का विस्तार हो, चाहे व्यक्ति का विस्तार हो, चाहे जड़ का विस्तार हो, चाहे चेतन और जड़ दोनों का विस्तार हो, वो सब ज्ञान से आता है। तो दर्शन की बात कर रहे थे, दर्शनावरणीय कर्म भी ठीक ज्ञान की तरह से, जो दर्शनी लोग हैं, जो पूजनीय हैं, वही लोग जो ज्ञान के अधिकारी हैं वो भी दर्शन के अधिकारी हैं। इसका जोड़ा है ज्ञान और दर्शन का। तो जो अरियंत सिद्ध साधु आचार्य बड़ा ज्ञानी, उसके प्रति हमारी श्रद्धा ना हो, उसकी श्रद्धा की हम अवहेलना करें, वो तो ज्ञान की अवहेलना थी, ये श्रद्धा की अवहेलना करें। तो पुस्तकों की श्रद्धा की अवहेलना करें जिसमें क्या धरा है, ये फालतू की बात है। हम जितना जितना दर्शन की अवहेलना करते जाते हैं, दर्शनियों की अवहेलना करते जाते हैं, दर्शन के जो माध्यम है, जो उपकरण है, उनकी अवहेलना करते हैं, उसका अनादर करते हैं, उसका इंसल्ट करते हैं, तो ये दर्शनावरणीय कर्म का बंद होता है। अब वही दर्शनावरणीय कर्म का बंद हुआ है, उससे हम छूटे कैसे, तो उसमें वही बात है, हम देव गुरु धर्म के प्रति हमारा जो संशय है,
हमारी जो श्रद्धा है उसको पुष्ट करें। जितना जितना पुष्ट करेंगे हमारा दशनावरणीय कर्म हल्का होता चला जाएगा। इसके 9 विभाग है, इसकी 9 फाइलें है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और 5 तरह की नींद होती है, चपला चपला, स्तन इंद्रा आदि। जो हमें नींद आती है वो दर्शनावरणीय कर्म के कारण आती है। जिसके ऊपर दर्शनावरणीय का आवरण आया हुआ होगा वो गुरुदेव का प्रवचन, साधु संतों का प्रवचन 1 मिनट के बाद जेरे लेने लग जाएगा, क्योंकि दर्शनावरणीय कर्म का आवरण है। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होने देता, मंदिर जाता है लेकिन ये भगवान है दिल में संशय है। स्वर्ग नरक है संशय है, आत्मा है संशय है, बंध और मोक्ष है संशय है। दर्शनावरणीय कर्म जो है संशय की स्थिति प्राप्त करता है। और जो जो हम दर्शन को पुष्ट करेंगे उतना उतना हमारा दर्शनावरणीय कर्म जो है पतला होता जाएगा पर्दा, और धीरे धीरे ये पर्दा का आवरण इसमें भी सूक्ष्म होता है। जब हम इसको पतला करते हैं जो जो पतला होता है निर्जरा होती है और आत्मशुद्धि सूक्ष्म एक तरह की निर्जरा है, और वो निर्जरा होते होते पतला हो जाता है। आत्मा का कर्म से अलग होना निर्जरा है, आत्मा से झरना, और संपूर्ण निर्जरा 14वां गुण स्थान है कि अब एक भी कर्म बाकी नहीं है। शरीर के अंदर एक भी ऐसा परमाणु नहीं है जो कि सेप्टिक कर सके, रस्सी बना सके, घाव बना सके। अगर 2-4 भी परमाणु है तो हम कई बार देखते हैं कि वो मिला हुआ घाव पुनः दर्द करने लग जाता, उसमें पस बन जाती है, क्योंकि उसके जीवाणु बाकी है। जब एक भी कर्म का जीवाणु बाकी नहीं है, समूल कर्म शरीर नष्ट हो जाता है, वह मोक्ष की स्थिति होती है। वो हमारा टारगेट है, क्योंकि हम सभी मोक्ष जाना चाहते हैं। तो ये ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय की बात आई, तो 5 उसके विभाग हुए, 9 इसके विभाग हुए। अब हम सब गिनते जाएंगे कि मूल 8 उसका वर्गीकरण करने पर उसके विभाग 148 आएंगे। हमें 148 और दूसरा एक चीज देखिए, बंधन की बात चली कर्म बंधन की, तो हमारे जो 8 कर्म है उसमें आयुष्य कर्म है जीवन में केवल एक बार बंधता है। किसी का बंध गया तो 7 का बंधन बाकी है, नहीं बंधा तो वो समय आएगा जब बन जाएगा। तो हम 7 कर्मों की बात करते हैं। प्राय प्राय मन से, वचन से, शरीर से हम कोई भी प्रवृत्ति करते हैं या हमारे भीतर जो कषा है, अब देखिए कर्म बांधता कौन है? आत्मा तो निष्क्रिय है, भीतर बैठी है, शुद्ध है, वो कोई प्रवृत्ति नहीं करती, लेकिन उसके जो चमचे हैं कर्म शरीर जो चमचा है वो चमचा दूसरे चमचे को बुलाता है। जो हमारा कषा है वह मन वचन काया जो योग है उसका कार्य है चतुष्पती पुद्गलों को खींच के लाना। मन है तो मन का खींच के लाता है, वचन है तो वचन का चतुष्पती लाता है, काय है तो काय का चतुष्पती लाना, अस्पर्शी नहीं, वो लाकर के जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों का कार्य है जो 23 तरह के विषय है लाके अपने मालिक मन को दे दिया। अब उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया करनी है, क्या योजना बनानी है, वो ड्यूटी इंद्रियों की नहीं है। हमारी योग की ड्यूटी चतुष्पर्शी पुतलों को इसी ब्रह्मांड में से खींच करके कषाय को सुस्कृत कर देना। अब वो कषाय क्योंकि आत्मा से मिला हुआ है,
तो आत्मा क्या करती है कि कभी अपना पावर भी दिखाती, कैसे दिखाती है मैं आपको बताता हूं। कोई भी बहुमूल्य चीज बड़ी है, कोई व्यक्ति नहीं है, अकेला व्यक्ति है, तो व्यक्ति के मन में चिंतन आएगा, कषाय चिंतन लाएगा, क्रोध मान माया जो चिंतन लाएगा, बहुमूल्य चीज है उठा ले, लाख रुपए की है, 50,000 रुपए की, कोई नहीं देखता है। तो भाइयों आपने चिंतन किया होगा, उसके थोड़े समय बाद ही एक दूसरा चिंतन आता है, किसी ने देख लिया तो, कहीं पुलिस में रिपोर्ट हो गई तो मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा गिर सकती है, मैं जेल भी जा सकता हूं। ये जो अच्छाई का जो लाता है वो आत्मा बोलती है बंधुओं। तो कषाय को लाकर के हमारे जो है इन्होंने योग ने सौंप दिया माल, पर आप में जागरूकता है, आप धर्म की प्रवृत्ति में बैठे हैं, आप जागरूक हैं। जब आत्मा धर्म की प्रवृत्ति में आ जाती है तो वह जागरूक हो जाती है, मन उसका कमजोर पड़ जाता है कुछ समय तक, कषाय इसका कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि धर्म की प्रवृत्ति का हमारा लक्ष्य यही है, कषाय को पतला पारना। पर्युषण क्यों मनाते हैं? सब चीजों का, हर धार्मिक चीज का एक ही लक्ष्य है। आपका इतल करंजी में सिवान की मालानी से आने का लक्ष्य पैसा कमाना है, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। यहाँ आराम करने आप नहीं आए, आराम तो असाडा बालोत्रा टापरा सिवान की मालानी में इससे बढ़िया आराम है, लेकिन धन कमाना लक्ष्य था बंधुओं। सारी धार्मिक क्रिया का लक्ष्य है पतली पार, पतली पार, पतली पार, पतली पार, एक ही लक्ष्य है। जैसे हम कहते हैं भज कलदारम, भज कलदारम, भज कलदारम, तो वहां भी धर्म की यही है, पतली पार, पतली पार, पतली पार। तो बंधुओं अपन बात कर रहे थे कि ये आत्मा जब धार्मिक क्रिया में आती है, अपने स्वरूप में आती है, आप अपने स्वरूप के खोजी बन गए हो इस वक्त में, स्वरूप को पहचानना चाहते हो, इसलिए दृष्टि पे आए। बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे क्या लेना देना, क्या प्रवृत्ति में धरा है, वहां क्या मिलेगा, खाओ पियो ऐश करो मजे करो, ये जिंदगी खाने पीने के लिए मिली है, मर जाएंगे तो क्या होगा, ये यही पड़ा रह जाएंगे, उसका चिंतन वैसा है, उनको स्वरूप से लेना देना नहीं है, नहीं तो प्योरली फिर वो कषाय घूमता है वहां। लेकिन हम अभी दूसरे खाते में है, आत्मा के खाते में है। तो अब देखिए, अब कर्म बंधन से कर्म बंधन कैसे होता है वो मैं बताना चाह रहा था, उसकी मैंने भूमिका बनाई है। तो जब वो कषाय को सौंप दिया, अगर मान लो जिसकी ईट ड्रिंक एंड डी मैरिज जो मैंने बताया है वो भावना होगी, तो ये कषाय से कषाय मल्टीप्लाई होगा, कषाय से और कषाय जुड़ गया, उसको कहेगा आजा भाई हमारी लाइन में, चंडाल चौकड़ी बना देगा। लेकिन आप में जागरूकता है और कषाय के पुद्गल खींच लिए हैं मन वचन काया ने, तो वो क्या होगा, निरस्त हो जाएगा, वो बंधेगा नहीं, क्योंकि उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है, उसको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है, उसकी उपेक्षा की जा रही है, तो वो बंधेगा नहीं। अब दोनों स्थितियां मैंने बताई, कषाय को कषाय बांधता है, और ये सब होता है आत्मा की जागरूकता, तब ये जो नहीं बनता, वरना तो बनता जाता है। तो बीच में ये प्रकरण आ गया, हम बात कर रहे थे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, अब तीसरे सेनापति की बात पे आता हूं, राजा की बात पे आता हूं। सबका राजा कौन है कर्मों का? वो है मोहनीय कर्म, और उधर भी राजा है क्षायिक सम्यक्त्व, जिसको क्षायिक सम्यक्त्व आ गया उसका मोक्ष निश्चित है। उधर भी राजा, राजा को परास्त करने के लिए राजा चाहिए, ये राजा आ गया मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म का बंध कैसे होता है? मोहनीय कर्म को बांधने वाला मोह का जो वट वृक्ष है, आप जो अभी फैमिली ट्री बनाओगे
तेरा पंथ कार्ड के अंदर फैमिली ट्री बनेगी, वो उस फैमिली में जुड़ेगा। तो वट वृक्ष है मोह और कषाय उसका सदस्य है, तो वो मोह राजा है, तो वो जब मोहनीय कर्म जो है वो कषाय जो है जब बांधता, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि मोहनीय कर्म को बांधने वाला कषाय है, क्योंकि उसके परिवार का सदस्य है, वो ही इसको बांधता है, यही चंडाल चौकड़ी है, सब मिले हुए हैं। वही मोहनीय कर्म को बांधने वाला भी कषाय है, उसका मैं बताता हूं विवरण। मोहनीय कर्म के 28 फाइलें हैं, 148 फाइलें खोलनी है, 28 फाइलें मोहनीय कर्म की। अब देखिए, मैंने कहा कि कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार भाग हुए। इस चार के चार विभाग है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और स्वंजलन। अनंतानुज का अर्थ क्या है कि इतना गाढ़ा मोह है जो कि, या गाढ़ा क्रोध, मान, माया, लोभ, पत्थर के ऊपर लकीर खींचना ताकि ये हथौड़ा चाहिए, कितनी मुश्किल से लकीर खींचती है, या उसको मिटाना हो तो ताकि हथौड़ा, मतलब मजबूत, अनंतानुमंती मजबूत होता है। जैसा आज हमने मॉर्निंग में देखा, पार्श के भव में उसने कमठ जीव ने अनंतानुमंती बांधा, एक आयुष्य, दूसरा आयुष्य, 10 आयुष तक चलता रहा वो, ये अनंतानुबंधी। अब दूसरा अप्रत्याख्यानी, मतलब क्रोध, मान, माया की डिग्री इतनी भारी नहीं है, तो कैसी है उसके बाद के अंदर दूसरा जो विवरण आता है। अब प्रत्याख्यानी का उदाहरण दिया गया है कि ये जो है हमारी कोई कोमल चीज, कोमल पत्थर, चूना ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, जिसके ऊपर की लकीर को ताकी हथौड़ा नहीं चाहिए, उसके मुलायम चीज के ऊपर क्रोध, मान, मतलब वो कम देर ठहरता है, अनंतानुमंती जिसके है वो इतना चिल्लाएगा, ऐसा क्रोध करेगा कि हो सकता है पागल की स्थिति तक भी चला जाए। और दूसरी अप्रत्याख्यानी स्टेज का कषाय वाला व्यक्ति होगा, वो उसके लंबा नहीं रहेगा। और तीसरा जो होगा वो बालू रेत की, अपने मारवाड़ में बालू रेत के ऊपर लकीर खींचते हैं तो थोड़ी सी हवा चली, गुस्सा थोड़ा सा आया और शांत हो गया। और जो स्वंजलन होता है वो साधु संतों के या ज्ञानियों के, महापुरुष जो होते हैं, पानी की लकीर, पानी में लकीर, भाई और बहनों कितना आया, वो प्रदर्शित ही नहीं होता है, उसके भीतर ही रहता है, तो संजलन होता है। अब देखिए, चार इधर चंडाल चौकड़ी और चार उसके ये विभाग, चार इंटू चार को गुणा करो, ये 16 हो गए। अब 16 तो ये हो गए। अब ये क्या है कि इस कषाय के जो है ना और छोटे छोटे दोस्त हैं, 9 कषाय बोलते हैं, संख्या में भी 9 है, और 9 का मतलब पतले कषाय, कम जो है ना डिग्री वाले, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसकलिंग, ये भी इसका परिवार है, पर ये थोड़ा पतला है, ये हल्का है, लेकिन परिवार इसी का ही है। तो 16 और 9 25। तीन तरह के मोहनीय होते हैं। एक होता है दर्शन मोहनीय, जो श्रद्धा पे पर्दा डालता है। एक होता है अपने सम्यक तो मोहनीय, सम्यक दर्शन पे पर्दा डालता है। और एक मिश्र मोहनीय होता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। इस तरीके से करके इसके 28 विभाग है, 28 फाइलें हैं, 28 फाइलों का निपटारा करना पड़ता है, 28 से जूझना पड़ता है और हरेक का क्षोभतम करना पड़ता है। अब इस कषाय को कैसे जीत, मतलब इस मोहनीय कर्म को जीता कैसे जाए, मोहनीय कर्म कटे कैसे, मोहनीय कर्म को काटने के लिए
जो हमारा कषाय है उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति क्या है? समता, कष्ट सहिष्णुता, सहनशीलता। भगवान महावीर को हम बताएंगे, कल से प्रारंभ करेंगे कि 23 तीर्थों के कर्म एक तरफ और महावीर के कर्म एक तरफ, उससे भी ज्यादा थे। उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरा साधना काल 12.5 वर्ष का है और ये कर्म तो पता नहीं 12.5 वर्ष भी इस तरीके से चलता था तो ये कटने वाले नहीं है। उन्होंने उदीर्णा की, आइए भाई सबको चुकाते हैं। उदीर्णा का एक उदाहरण देता हूं। किसी व्यक्ति पे कर्जा हो गया 1 करोड़ का और वो उसकी नीति शुद्ध है, कैलकुलेशन करता है, 1,00,000 का मकान, 1,00,000 की ज्वेलरी, 1,00,000 का गोल्ड या 1,00,000 का प्लॉट, टोटल लगाया कि 1 करोड़ रुपया अपने पास है और प्रतिष्ठा रहेगी 1 करोड़ के 10 करोड़ फिर करेंगे। और गाड़ी में दागने का विचार रखा, मैं भी गया, मेरी अगली पीढ़ी भी गई। तो वो सबको कहता है, व्यापारियों को, भाई आ जाओ, 100% नहीं होता है, नियत के साथ है। तो कहता भैया मैं करूं क्या, मेरे पास 50,00,000 की है, सबको 50% दूंगा। तो वो अगले वाले भी, आप सभी लोग करते ही हो, रात दिन पता ही है, कोई बात नहीं, दे तो रहा है ना, वो साहूकार है। तो ठीक उसी तरीके से जो हम बात कर रहे थे मोहनीय कर्म की, तो हमारा जो मोहनीय कर्म का जो मतलब ये है कि ये संभाव रखने वाली बात है। तो भगवान ने वो सारा उदीर्णा की बात कर रहा था। भगवान ने सबको बुलाया, उन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा की, आ जाओ मैं खड़ा हूं, मारना हो मारो, मैं मेरे शरीर की रक्षा, पशु मारे पक्षी मारे खाए तोड़े, देव इसको कष्ट दे, मैं इसकी कोई परिक्रिया नहीं करूंगा। इतना बड़ा विग्रह किया तब जाकर के ये कर्म कटे। तो बंधुओं, इस सेनापति को जीतने के लिए संभाव, जितनी जितनी समता उतना उतना ये कंट्रोल के अंदर आएगा। तो अब ये हो गया मोहनीय कर्म, अभी तो 4 ही आए हैं। अब हम अभी चौथा है जो घाती कर्म है, वो है हमारा अंतराय कर्म। भाइयों, आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे मैं देवी का उपासक हूं, दुर्गा का उपासक हूं। उनके कहने का क्या था कि जब तक ये हमारा अंतराय कर्म नहीं टूटेगा, ये बाकी के 7 कर्म कुछ नहीं करते। अंतराय टूटने के बाद में ये कर्म टूटते हैं, सबसे पहले अंतराय टूटनी चाहिए। इसीलिए ये कौन तोड़ता है? दुर्गा देवी, शक्ति की देवी। अंतराय कर्म शक्तिशाली है, इसीलिए कहते हैं वो शक्ति का उपासक हूं, सबसे पहले इसको तोड़ो। उसकी वो बहुत चर्चा करते हैं कि क्या होगा दूसरों से जब तक ये नहीं टूटेगा। अंतराय का मतलब ये है कि ये कर्म बंद क्यों होता है? हमने किसी को कष्ट दिया, हमने कोई दान दे रहा है तो पिछले भव में, इस भव में, पता नहीं किसी भव में उस दान देने वाले को रोका तो हमारे दानांतराय का बंद हुआ। किसी के प्रॉफिट लाभ हो रहा है, 2 पार्टी है आपस के अंदर बात कर रही है, आपने बीच में भटकी डाल दी, तो क्या हुआ? वो पार्टियां टूट गई। तो ये क्या हुआ? उनके लाभ में आप अवरोधक बने। दान लाभ भोग, भोग का मतलब प्रतिदिन काम में लेने वाला, जैसे कि हमारा भोजन प्रतिदिन काम में हम लेते हैं, तो हम किसी के भोजन में प्रतिदिन कोई भी उपयोग ले रहा है, किसी की थाली को छीन लिया और किसी को ऐसा परेशान कर दिया अपने कि वो भोग नहीं कर सके, तो हमें भोगांतराय का बंद हो गया। और उपभोगांतराय का मतलब हो गया जो जीवन पर काम आती है, वो होता है हमारा महल मकान जेवर। अब देखिए कई बार क्या होता है कि बड़ा दादा आकर के अपने करोड़ों के जो है बिल्डिंग के आकर के बैठ जाता है, वो क्यों? कि वो हमारी भोगांतराय है, हम नहीं भोग पा रहे हैं, भोग हो रहा है,
हमने अंतराय बांधी है, और सबसे बड़ी होती वीर्यांतराय, तपस्या करना, शरीर का बलिष्ठ होना, शरीर जो है वो चलना, बुद्धि चलना, ये सब जो है वीर्यांतराय है। ये जिसके अंतराय लगी होती है वो एकासन भी नहीं कर सकता, वो खड़ा भी नहीं हो सकता, बीमार रहता है, कोमा में चला जाता है, और सब तरीके की बातें होती है। तो ये अंतराय कर्म है, और ये अंतराय कर्म टूटता कब है? हम दान देते हैं, हम किसी के लाभ में शरीक होते हैं, आध्यात्मिक लाभ, और जितना जितना हम वो किसी के सहयोगी बनते हैं तो हमारी अंतराय टूटती है। तो ये चार कर्म हो गए आत्मा के। अब अपन आते हैं शरीर के खाते में। वेदनीय कर्म, वेदनीय कर्म दो तरीके के हैं, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। ये बंधते कैसे हैं कि हम किसी भी जन्म में किसी भी प्राणी को असाता पहुंचाते हैं, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं, उसको दबाते हैं, उसको मसलते हैं, तो उससे हमारा ये वेदनीय कर्म, उसकी वेदना पैदा करी हमने, हमारे वेदनीय कर्म का बंध होता है। इसके छूटने का क्या है कि हम साता पहुंचाएं, साधु संतों को साता पहुंचाएं, तपस्वियों को साता पहुंचाएं, जो धर्म का स्मरण कर रहे हैं, कोई जगह नहीं है तो हम अपना मकान दें, ताकि कि वो सड़क पे तो धर्म आचरण कर नहीं सकते, प्रवचन नहीं हो सकता। जितना जितना हम साता पहुंचाते हैं उतना उतना हमारे ये साता वेदनीय जो कर्म है, ये हमारा वेदनीय कर्म है, पतला पड़ता है। ये पुण्य और पाप दोनों होते हैं। साता ये उदय आता है, इसका क्षोभ नहीं होता है। उदय आया, आते ही भोग लिया, वो तो जो घाती करने और निरंतर प्रक्रिया है, मोक्ष में जाने तक चली रहेगी। क्यों? आत्मा अजर है, अमर, अविनाशी है, शरीर विनाशी है, जाने वाला है, इसीलिए ये बदलता रहता है, ये भी बदलते रहते, वो तो उसका गला घोंटते रहते, वो इनकी परवाह नहीं करते। ये अघाती कर्म, वेदना, वेदनीय कर्म, साता और असाता। जो साता वेदनीय है वो पुण्य है, असाता वेदनीय पाप है। जब ये कर्म उदय में आते हैं, शुभ फल देते हैं वो पुण्य होते हैं, अशुभ फल देते हैं पाप होते हैं। तो ये वेदनीय का हुआ। अब आयुष्य कर्म, आयुष्य जीवन में एक बार बनता है, आयुष्य कितने, उसकी चार श्रेणियां, नरगति, तिरियन गति, मनुष्य गति और देव गति, चार ही गतियों में जीव घूमता है, 84 लाख जीवा योनि, चार गति, और से छूट जाता तो मोक्ष में चला जाता। नरक में कौन सा जीव जाता है? जो हिंसा करता है, मां हिंसा करता है, पंचेंद्रिय वध करता है, और मांस वगैरह मिट्टी भक्षण करता है। तो इस तरीके से हिंसा करने वाला जीव जो है वह नरक गति का बंध करता है, सातवीं नारकी तक करता है, तिरियन गति छल कपट करने वाला, इसको उससे बिड़ा दिया, उसको उससे बिड़ा दिया, उसका सास बहू का झगड़ा करा दिया, पिता पुत्र का झगड़ा करा दिया, ये सब जो छल कपट करने वाला, झूठा, मां, तोल, जितना छल कपट करने वाला तिरियन जो होता है गति में जाता है। मनुष्य जिस भाव में हम कैसे आए, ये समझने की चीज, जो सरल होता है, जिसमें करुणा होती है, जिसके अंदर पापकारी पाप हो जाए तो मन के अंदर प्रायश्चित होता है, आज मेरे से ये हो गया, हरेक की सेवा करने वाला होता है, दूसरे की भी चिंता करने वाला, सरल प्रकृति, करुणा की प्रकृति, करुणाशील जिसका होता है, या आयुष्य बंद के समय हमारे ऐसे विचार होते हैं तो हमारे जो है मनुष्य भव का बंद होता है। देव गति के अंदर वो लोग जाते हैं, साधु संत सम्यक्ति वगैरह जितने भी होते हैं वो उनके लिए देव गति होती है। तो इसका इस तरीके से बंद होता, आयुष्य कर्म जीवन में एक बार होता है। अब नाम कर्म, बंधुओं सबसे बड़ा खाता नाम कर्म का, इसकी 103 प्रकृतियां हैं।
इसकी 103 फाइल है। नाम कर्म शुभ और अशुभ दोनों होता है। ये नाम कर्म किससे बनता है? क्योंकि हमारी सब प्रवृत्ति से होता है। मन की शुभ या शुभ प्रवृत्ति करने वाला, वचन की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करने वाला, काया की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति करने वाला, और दूसरा जो है वो उसके करने कथनी और करनी में अंतर। ये सारा 103 प्रकृति है। गति नरगति तिरंगति मनुष्य देवगति जाति एक इंद्रिय बेन्द्रिय तेन्द्रिय पंचेन्द्रिय गति जाति और उसके बाद में इंद्रिया स्पर्श रसन ज्ञान चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि पूरा शरीर। शरीर में जितने अवयव है और जितने इसमें सिस्टम काम कर रहे हैं और सारा शरीर का जितना लेखा जोखा है वो सारा नाम कर्म करता है। और सबसे बड़ा नाम कर्म की शुभ प्रवृत्ति होता है तीर्थंकर गोत्र का बंधन करना। सबसे उत्कृष्ट जो नाम कर्म की प्रवृत्ति है तीर्थंकर गोत्र का शुभ बंध है। शुभ नाम जिसके होता है उसको प्रतिष्ठा मिलती है, सब लोग उसको पूजनीय कहते हैं, वो पूजा जाता है, आदर योग होता है शुभ नाम कर्म से। तो इस तरीके से ये नाम कर्म का, ये नाम कर्म बंधता क्यों है? मन वचन काया की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति से। और इसको हम शुभ को अशुभ में कैसे बदल सकते हैं? वही पुनः इसका बंधने का और खुलने का सिस्टम एक ही है। कर्मों के आने का और जाने का जो रास्ता है ना, वो एक रास्ते से आते हैं और उसी रास्ते से वापस उनको भेजा जाता है। तो हम हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति को शुद्ध करते हैं तो नाम कर्म भी शुद्ध हो जाता है। ये तो नाम कर्म का। अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं तो गोत्र कर्म। गोत्र कर्म सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस को प्राप्त करने का मतलब अच्छे कुल में जन्म लेना। एक कुल होता है अच्छा कुल, जिसके अंदर धर्म की प्रवृत्ति होती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। दूसरा ऐसा कुल होता है कि 24 घंटे जो है लड़ाई झगड़ा फिसाद, ये जो छोटी जाति के जीव होते हैं और समाज में भी उपेक्षणीय होते हैं, तो ये 8 तरह के मद होते हैं अहंकार, जाति, कुल, बल, तप, ऐश्वर्य। इस तरीके के जो 8 मद हैं हमारे मुख्य, उन 8 का अहंकार करने वाला, जाति का, कुल का, ऐश्वर्य का, तप का, धन का, रूप का, तो हमारे ये अशुभ गोत्र का बंद होता है। और उसका अहंकार नहीं होता है तो शुभ गोत्र का बंद होता है और इस तरीके से भोगे जाते हैं। अब मैं 5 मिनट आला हमारे एक थोड़ा आप इंतजार करें, अभी कर्मों का एक गीत आएगा, लेकिन मैं 2-5 मिनट के लिए आपसे जिज्ञासा इनवाइट करता हूं कि आपने समझा या कोई कंफ्यूजन नहीं तो ये मेरी वार्ता अधूरी रह जाएगी। जब कोई भी स्पीच दिया जाता है, प्रवचन दिया जाता है, तो सिद्धांत ये है कि कुछ समय के लिए सेशन को ओपन करना चाहिए। उससे मालूम पड़ता है कि वक्ता वक्ता बोलता गया, श्रोता ने पकड़ा कि नहीं, क्या उसको संशय है। तो मैं 2-5 मिनट के लिए आपसे चाहूंगा कि इस पूरा प्रकरण के अंदर ये संक्षेप में बताया गया है, आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। ठीक है, तो हमारे उपासक जी का सुमधुर उपसंहार में, निष्कर्ष में इनका गीत कर्म पर ही है। आराध्य देव को वंदन। श्रीमान वरिष्ठ उपासक श्रीमान दादे साहब, धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, अभी हमने 8 कर्मों की चर्चा सुनी और उनके कारण भी सुने। अब हमारे को चाहिए कि हम जागरूक बने और जागरूक रहकर इन कर्मों से कैसे बच सके
और जो कर्म बंधे हैं उनसे कैसे छुटकारा पा सके, इस पर हम ध्यान दे। हम सदैव सदैव जागरूक रहे, अनावश्यक कर्म बंद नहीं हो, इसका हम ध्यान रहे। गीत है मनुज कर्मों का नौकर है, मनुज कर्मों का नौकर है, राजा राणा सब नीचे करनी ऊपर है, मनुज कर्मों का नौकर है, मनुज कर्मों सबको नाच नचाता, पर्वत से धरती पर धरती से पर्वत हो जाता, बुरे कर्म से हो जाता, बुरे कर्म से बन जाता हीरा भी कम कर कर्मों का नौकर है, मनुज कर्मों का नौकर है, हरिश्चंद्र राजा ने देखो भरा नीच घर पानी, तीन खंड के मालिक रावण कीन चली मन मानी, चंदन बाला बिकी जो बिकते, चंदन बाला बिकी जो बिकते, मूली गाजर है, मनुज कर्मों का नौकर है, मनुज कर्मों का नौकर है, वनवासी हुई कलंकित माता सीता, कृष्ण प्यास से पीड़ित वन में जीवित जिनकी गीता, जंगल जंगल घूमे पांडव, जंगल जंगल घूमे पांडव, हीरा मुकद्दर है, मनुज कर्मों का नौकर है, मनुज कर्मों का नौकर है, कर्म शत्रु से लोहा लेना, काम चूर वीरों का, त्याग पंथ पर चलने वाले धरती के हीरों का, संयम की संयम की नौका से तरना, संयम की नौका से तरना, भव का सागर है, मनुज कर्मों का नौकर है, मनुज कर्मों का नौकर है, राजा राणा सब नीचे करनी ऊपर है, मनुज कर्मों का नौकर है, मनुज कर्मों Thank you.
ऐसा है कि आज की जनरेशन को इस कर्म सिद्धांत को समझाने के लिए है कि हम इसको जो पुरुषार्थ है, जो हमारा कल का किया गया पुरुषार्थ है, वो आज भाग्य के रूप में परिवर्तित होता है, उसी को हम भोगते हैं, और जो आज का हमारा पुरुषार्थ है, आने वाले कम कल का जो भाग्य बनता है, तो हर नई जनरेशन वो भाग्य को अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि उनको हम ये बताते हैं कि तुम्हारा चिंतन अगर गलत है तो तुम्हारे रिजल्ट क्या रहेंगे, तो वो स्वयं बता देगा कि मेरा सोच गलत है तो उसके परिणाम ही गलत होंगे। उसको बताएंगे हम एज यू सो सो यू विल रीप, कि आज हम एक ऐसा पौधा बो रहे हैं जो कि आंकड़े का है, तो क्या तुम बता सकते हो कि जब वो फलीभूत होगा तो तुम्हें आम का पेड़ मिलेगा क्या? तो उनको ये कहना, तुम बैड डील्स कर रहे हो, कोई भी इसको गुड और बैड डील्स को समझता है, वो कर्म को नहीं समझता है। तो कोई भी उसको कहो तुम गंदी प्रवृत्ति जो कर रहे हो, क्या ये प्रवृत्ति तुम्हें अच्छा फल दे सकती है, तुम सुखी रह सकते हो, टेंशन फ्री रह सकते हो? तो स्वयं कह देगा नहीं, ये संभव नहीं है। तो तुम वो प्रवृत्ति क्यों करते हो, उसको हम आज की प्रवृत्ति से जोड़ेंगे। आज का ये कर्म सिद्धांत को वो नहीं मानने वाला है, लेकिन जो ही हमने उसके डीड से जोड़ा, उसके कार्य करने की पद्धति से जोड़ेंगे, तो वो तुरंत वो स्वयं कह देगा नो, ये तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एटिकेट जानता है, स्कूल में पढ़ता है, उसको स्कूल के अंदर ये सब सिखाए जाते हैं। तो सारे एटिकेट है, जितनी अच्छाइयां हैं वो एक शुभ कर्म का हिस्सा है, जितनी बुराइयां हैं एक अशुभ कर्म का हिस्सा है, हम उसके बीच में भेद रेखा खींचते हैं। वो जानता है, हम उसको कहें कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये अशुभ, ये करोगे अशुभ होगा, ये करोगे तो सुख होगा, तो हम इसको अच्छाई बुराई से जोड़े। अच्छाई बुराई से जोड़ते ही वो स्वयं अपने आप कह देगा नो, इट शुड नॉट बी डन, क्योंकि बहुत अवेयर है। और जो जो अच्छाई है वो शुभ को ले जाती है, जो जो बुराई है वो शुभ को ले जाती है। नहीं मैं समझा नहीं, मेरे पूरा थोड़ा सा आगे आगे बोलो आप, एक थोड़ा 5 मिनट भाई साहब सॉल्यूशन होना जरूरी है, आप वेट करें। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, ठीक, तो उसने बोला कि मम्मी बहुत नीची है करके, हम बोलते हैं देखा कर्म बनते नहीं बोलना उसके, तो उसमें बच्चे ये बोलते कि इसमें नेगेटिव क्या है, क्यों नहीं बोलना, ये तो उल्टा अच्छा है ना, मम्मी अच्छी है तो अच्छा बोलने में क्या हर्ज, तो हम लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे? ऐसा है कि देखिए, मीठा खट्टा खाली मुंह से बोलने से कर्म नहीं बनता है। मैंने क्या बताया, कर्म बनने का संबंध राग और द्वेष से है। कर्म बनने का संबंध खट्टा बोल दूं या मीठा बोलने से नहीं, उसके पीछे हार्द क्या है, ये हमें उसकी पृष्ठभूमि को, बच्चे को आपको स्पिरिचुअलिटी में तैयार करना है, तो उसका जो हमारा राग द्वेष का जो फॉर्मूला है ना, वो स्पष्ट कहो कि बेटा तुमने जो है अच्छा मीठा, चलो मैं ये कहता हूं कर्म बनने वाली बात नहीं करता हूं, लेकिन आप इसके प्रति अगर ये इतना प्रेम जताते हो और इसके प्रति ये द्वेष जताते हो आप, तो क्या ये ठीक है क्या? हमें उसके राग द्वेष की प्रश्न, हमें नहीं, हर व्यक्ति को राग, ऐसा है मनासक्त भाव से कोई बात कहे तो कर्म नहीं बनता है, सारे कर्म का बंधन है उसके साथ जुड़ करके, उसके साथ में अटैच होकर के, उसको हम समझाएं कि किस चीज का अटैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और इसके साथ में जो है हमें द्वेष तो एकदम समझ में आ जाता है, जो राग वाली अटैच बात है ना, तो हमें आज की जनरेशन को इस रूप में समझाना पड़ेगा कि हम किसी चीज के साथ ज्यादा चिपके रहेंगे, चाहे आपका फ्रेंड हो या चाहे आपका टीचर हो
या ज्यादा चीज हो तो वो आपको कष्ट पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? आपको जब उससे बिछुड़ जाओगे तो उससे उसको दुख होगा आपको, चाहे आपकी कोई काम करने की पद्धति है या टीचर है। तो हमें राग द्वेष का जो फॉर्मूला है ना, सुनिए भाई साहब, राग द्वेष के फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और कर्म का बंधन सिर्फ राग द्वेष से है, ठीक है ना। खाली अगर हमने कह दिया है मीठा है खट्टा है और उसके पीछे देखो कितना मजा आ रहा है, उसके भीतर भाव कैसे है, भाव और द्रव्य के अंदर उसको समझाना पड़ेगा। हमारी जो जेनरेशन है, हम उसको द्रव्य क्या है, भाव क्या है, और दूसरा राग क्या है, द्वेष क्या है, ये परिभाषाएं उसको खोल खोल के बतानी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वो इस चीज को समझने लग जाएगा। द्रव्य भाव और राग और द्वेष ये समझने की बात है। ये जितना जितना हम समझेंगे उतना उतना कर्म को हम स्पष्ट करते जाएंगे। और ये कर्म तो प्रक्रिया है, ये बनती भी है और खुलती रहती है, ये भी एक तरफ बनता ही है, ये साथ साथ खुलता। हाँ आप कहिए। ऐसा है कि निगोज की इन्होंने बात कही तो निगोज का जो जीव होता है वो सबसे कम ज्ञान वाला होता है, उसका एकदम जो आत्मा की शक्ति उससे आवृत होती है, तो वो जो है आया जो है जितना भी जीव है वो सब ये नामकरण का रूप है जो मैंने बताया। और उसने कोई ऐसे अशुभ नाम कर्म किए और तब उसने निगोद के रूप के अंदर उसको जन्म लिया है। लेकिन मैं वह दूसरी बात जो आपने प्रश्न ये कहा गया है कि कर्म भगवान ने का सब कुछ है, लेकिन कर्म डिक्टेटर नहीं है, कर्मों को बदला जा सकता है। कर्मों को बदलने के लिए जितनी जितनी धार्मिक क्रिया है वह सब उदय ना करने वाली बात है। हमारे कर्म जिस समय में उदय में आने वाले उसके पूर्व हम उसको बुला सकते हैं। उसके लिए ही तो ये धर्म का यंत्र हमें दिया गया कि हम धार्मिक प्रवृत्ति में जाएंगे। आप ऐसा है कि आप धर्म नहीं करते हैं तो जो कर्म जिस समय निश्चित समय पे आने वाला है वो तो आपका आकर के उदय में ऑटोमेटिकली नष्ट होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं अपने इस माइंड को या अपनी इस बुद्धि को काम लेके उसका छुटकारा जल्दी करूं, तो उसके लिए ये सारी उदीर्ण मतलब कहने का कि ये कर्मों को बदला जा सकता है, कर्म बदले जा सकते हैं, वो बदलते होते हैं। सारी हमारी जागरूकता हमारी समता भाव से हमारी धार्मिक क्रिया से, क्योंकि कर्मों को बांधने वाला राग द्वेष है तो उसका प्रतिपक्ष प्रति देखो जहर को जहर से मारा जाता है। जहर के लिए प्रतिपक्ष पैदा करना पड़ता है। हर चीज का प्रतिपक्ष देखिए, आदमी बीमार कब पड़ता है, जब उसकी इम्यून सिस्टम बिगड़ जाती है। इस संसार के अंदर भूचाल क्यों होते हैं, असंतुलन हो जाता है। हर पक्ष का प्रतिपक्ष है, तो हम प्रतिपक्ष को डेवलप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारा पक्ष जो है धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। तो इस तरीके से कर्मों को बदलने का अर्थ यह है कि हम प्रतिपक्ष को पैदा कर रहे हैं। कर्मों को पैदा करने वाला राग द्वेष है, उसका प्रतिपक्ष है समता। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक कठोर समता रखी, वो उसका प्रतिपक्ष था। जो राग द्वेष तो अपना कर्मों को भुगतने का काम कर रहा था लेकिन वो प्रतिपक्ष के रूप में अडोल थे, तो वो क्या है कि उन्होंने भुगत लिए गए। तो इसलिए भाइयों, जितनी हमारी ये
कार्रवाई जो उनको सिखाया जाता है, चाहे आगम हो चाहे प्रवचन हो, सारा यही कहता है कि आप प्रतिपक्ष को पैदा कीजिए। तो कर्म डिक्टेटर नहीं है, प्रतिपक्ष आपने खड़ा किया, छोटे राजा के सामने बड़ा राजा खड़ा किया, छोटा भाग जाएगा। प्रतिपक्ष को पैदा कीजिए, वो प्रतिपक्ष है समता। सारे आगम एक ही बात कहते हैं कि राग द्वेष बहुत बड़ा हमारा शत्रु है, उससे उसको बैलेंस करने वाला बड़ी चीज को पैदा कीजिए, वो है क्षमता, वो है समता हमारी। तो इसीलिए उससे बदले जा सकते हैं। सारा सिद्धांत अपना इसके ऊपर आधारित है, कर्म सिद्धांत ही उस पर आधारित है। बांधता ये है और खोलता वो है, खोलता वो है। प्रतिपक्ष के ऊपर आप घूमिए, उस पर दिमाग लगाइए, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए। आप संतुष्ट हुए? संतुष्ट हुए भागवत जी? कुशाल जी, कुशाल जी एक सेकंड, कुशाल जी हमारे बहुत ही धर्म प्रेमी है, आप सब जानते हो, लेकिन मेरा परिचय आज ही आज हुआ, इनमें बहुत जिज्ञासा है, ये जैन धर्म में बहुत परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इनकी जिज्ञासा का जो है हम साधुवाद करते हैं, निवेदन करते हैं, बराबर आते रहिए और अपनी जिज्ञासा शांत करते रहिए। अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए सुनिए मंगल पाठ। नमो रिंतानंग, नमो चित्तानंग, नमो आर्यानंग, नमो ज्ञानंग, नमो लोहे सब सावणंग, ऐसो पंच नमुकारो सब पाप प्रणासनो मंगलानंग सभ्य सिंह पड़मंग वही मंगलंग चत्तारी मंगलंग अरंता मंगलंग सिद्धा मंगलंग साहू मंगलंग केवली पनत्तो धमो मंगलंग चत्तारी लोगुत्तमा अरंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धमो लोगुत्तमो चत्तारी शरण पहुंचामी अरंते शरण पहुंचामी सिद्धे शरण पहुंचामी साहू शरण पहुंचामी केवली पनत्तं धम्मं शरण पहुंचामी धमो मंगल मुक्तिदं अहिंसा संयमो तवो देवावितमं शक्ति जस्त धमे श्यामणो चैता बार हमवासन चक्रवर्ती मैडियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनोतरंग देव दानव गंधव्वा जक्कर किन्नरा बम्बयारी नमं शक्ति सुकरं दिए करंती तं मंगलं भगवान वीरो मंगलं सतमोगनि मंगलं स्थूल भद्राय जैन धर्मो सुमंगलं मंगलं मतिमान भिक्षु मंगलं पारमल्लक मंगलं राय चंद्राय मंगलं तुलसी महाप्रज्योतु मंगल महाशमनोस्तु मंगल सेवामंतोस्तु मंगल विघ्नहरण मंगलकर कामभिक्षुणो नाम गुणयोरस संवरण क्रिया हरे अजिज्ञासा विघ्नहरण मंगलकर स्वामभिक्षुणो नाम गुणयोरस संवरण क्रिया।
खुशहाल जी, खुशहाल जी चले गए क्या? एक मिनट थोड़ा, एक मिनट।